नमस्कार दोस्तों, कैसे चल रही है आप सभी की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और जैसे भी चल रही है, अब मैं आ गया हूँ आप सभी का टेस्ट लेने के लिए। क्विज नंबर 4 लेके आ चुका हूँ। 15 क्वेश्चन दूंगा इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के। जैसे ही आप सभी की डिमांड थी कि इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन लेके आओ, तो वो मैं आज लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो वही पैटर्न रहेगा हमारा, 15 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उन 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर सोच के रखना है, और जैसे ही 5 सेकंड ओवर होंगे मैं आप सभी को उसका आंसर बता दूंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए 15 में से, जैसे कि 10, 12, जो भी जितने भी 15 सही हुए हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे नीचे बता देना है कि आपका क्या स्कोर रहा, ताकि मुझे पता चल सके आपकी कितनी तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है। और कोशिश ये करना कि 13-14 तो कम से कम सही कर सको। और पिछले वाले क्विज 1, 2 और 3 जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो यहाँ पे ऊपर व्हाइट लाइन में लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके भी वो क्विज ट्राई करो जिन्होंने ट्राई नहीं किए हैं। तो दोस्तों बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ रहा है आप सभी के पास आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके पास है, संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में किस तिथि को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मध्य रात्रि को 12 बजे घंटी बजाकर देश भर में वस्तु एवं सेवा GST लागू किया? पहला ऑप्शन है 1 जून 2017, दूसरा 1 जुलाई 2017, तीसरा 1 अगस्त 2017 या चौथा 1 सितंबर 2017। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, 25 मार्च 2017 को राजस्थान के बीकानेर के निवासी जो देश की पहली BSF महिला अधिकारी बनी। पहला ऑप्शन तनुश्री पारिक, दूसरा महिमा चौधरी, तीसरा मनुश्री गुप्ता या चौथा स्नेहलता वर्मा। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, तनुश्री पारिक। तो दोस्तों अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मार्च 2017 को पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक जिन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या जिसे हम कहते हैं SAARC के 13वें महासचिव के रूप में पदभार संभाला। ऑप्शन नंबर 1 है अमजद हुसैन बी सियाल, दूसरा है नवाज शरीफ, तीसरा है शेर बहादुर सिंह या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, अमजद हुसैन बी सियाल। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा है, 23 जुलाई 2017 को लॉर्ड्स में खेले गए 11वें ICC महिला क्रिकेट विश्व का फाइनल इंग्लैंड ने किस टीम को हराकर जीता? ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत। और ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप सिर्फ इसको एक क्वेश्चन लेके ना चलें, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे किसने जीता, किसको हराया, कौन से ईयर में हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन सा ICC टूर्नामेंट ये है। तो इस टाइप से काफी क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राज्य आपदा मोचन बल के क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 6-7 जून 2017 को कहाँ किया गया? पहला कानपुर, दूसरा इटावा, तीसरा नई दिल्ली या चौथा गांधीनगर। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली। तो अब देखते हैं हमारा आज का छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन देखिए, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान या चौथा उत्तराखंड। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। अब देखिए दोस्तों आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र या फिर चौथा तमिलनाडु। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, केरल। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन भारत का मुख्यमंत्री, दूसरा संघ का विधि मंत्री, तीसरा भारत का राष्ट्रपति या फिर चौथा ऑप्शन भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका ऑप्शन नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों आज का नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़ या फिर चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश।
अब देखते हैं दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? पहला ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा अवंतिका, तीसरा इंद्रप्रस्थ या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 अवंतिका। अब देखिए दोस्तों आज का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्न में से कौन सी उपजाति मंगोलों से संबंधित है? पहला बांतू, दूसरा नार्डिक, तीसरा एल्पिन या फिर चौथा ऑप्शन एस्किमो। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 एस्किमो। अब चलते हैं दोस्तों हमारे आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है अरब सागर में पानी का औसत खारापन है। पहला ऑप्शन 25 ppt, दूसरा ऑप्शन 45 ppt, तीसरा ऑप्शन 35 ppt या फिर ऑप्शन नंबर 4 55 ppt। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 35 ppt। अब देखते हैं दोस्तों हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 13th क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? पहला ऑप्शन भाग नंबर 3, दूसरा ऑप्शन भाग नंबर 5, तीसरा ऑप्शन भाग नंबर 4 या चौथा ऑप्शन भाग नंबर 2। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 भाग 3। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, 11 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने निर्माता निर्देशक पहलाज निहलानी के स्थान पर किसे सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? पहला ऑप्शन विवेक शर्मा, दूसरा प्रसून जोशी, तीसरा अरविंद गुप्ता या चौथा ऑप्शन अमोल पालेकर। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रसून जोशी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। जुलाई 2017 में खेले गए विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता? ऑप्शन नंबर 1 रॉजर फेडरर व गार्बिन मुगुरुजा, दूसरा ऑप्शन मारिन सिलिक व वीनस विलियम, तीसरा ऑप्शन ओलिवर मराच व एलिना वेस्निना या चौथा ऑप्शन जैमी मरे व मार्टिन हिंगिस। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉजर फेडरर व गार्बिन मुगुरुजा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहीं पे समाप्त। 15 क्वेश्चन है, फटाफट से नीचे कमेंट में स्कोर बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा है। और जाइएगा मत, पहले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको दे दूंगा ट्यूसडे के आसपास तक, ठीक है? जो डेट फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा आएगा इंडिया जीके पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 से 50। मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन देने का, तो देखता हूँ कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 50 क्वेश्चन दे दूंगा, तो वही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गेट सक्सेस 247, और स्क्रीन के बीच में आपके पास लोगो आ रहा होगा गेट सक्सेस 247 का, उसे क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।